जी शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलिंद जी देवड़ा साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुनः एकदा प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट संपूर्ण दक्षिण मुंबईस नाही तर पूर्ण मुंबईची काँग्रेस आज या ठिकाणी आलेली आहे। काँग्रेसला भगदाड पाडून आज या ठिकाणी एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून आदरणीय मिलिंदजी देवरा साहेबांसारखं काँग्रेसचं एक युवा नेतृत्व आज शिवसेनेमध्ये आलंय, त्यांचं मनपूर्वक सगळ्या शिवसैनिकांच्या वतीनं स्वागत। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स।